बाल सेट करवाना भी ना टास्क है, बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ आशीष, मेरे बाल खराब ना हो, मैं बाहर घूमने जाऊंगी तो क्या लगाऊं मैं बालों में? मैम अभी स्टाइलिंग खत्म होने के बाद स्प्रे लगाएंगे, घूमने अच्छा जाओ, बाल खराब नहीं होंगे आपके। वाह, घूमने जाएंगे और बाल ऐसे कैसे रहेंगे, क्या बात है। अरे घूमने से मुझे उदयपुर की याद आ गई, ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था ना आपको उदयपुर का चक्कर लगवाएंगे, भाई वहां पर अग्नि फेरा की टीम पहुंची हुई है और वो मस्ती कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, तो हम क्यों पीछे रहे? लेट्स गो टू उदयपुर। कभी ऊंट की सवारी, कभी माता के दर्शन, कभी रोमांस का टशन। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ऊंट की सवारी पर, जिसके लिए रागिनी और अनुराग हैं काफी एक्साइटेड। हम उदयपुर की देसी सवारी में सवार हुए हैं, जिसको बोलते हैं केमल राइड, जो कि है हमारे मिस्टर जी जो है बड़े एक्साइटेड है करने के लिए, है ना? हाँ मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे को बहुत डर लग रहा है और मैं कभी कैमल पे बैठा नहीं हूँ। और मैंने ऐसा सुना है कि जब कैमल उठता है तो वो बहुत ज्यादा हिलता है और पीछे वाले गिर जाते हैं। रागिनी तुम पागल हो गई हो क्या? सच्ची भुजाल आता है। कहाँ ले आई हो तुम? अरे हम देसी राय, अब हमें इतनी बार घुमाए आज हम, आप सोचे कि आपको घुमा। अरे ये कोई घुमाने की जगह, ऊँट की पीठ पे बिठा के तुम सवारी करा। भैया अब ऊँट उठा दो। अब बहुत मजा आया, एकदम मजा आ गया। मतलब रॉयल वाली फीलिंग वो कंप्लीट हो गई। इसकी सवारी जो करनी थी उदयपुर में, ओहो हो, मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। और धन्नो नाम है और धन्नो ने पूरी इज्जत रखी। ऊंट की सवारी के बाद इनका राजस्थानी प्यार जाग उठा और इन्हें याद आया ये गाना, मारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया टन नन भवरी ने मचाया शोर नन नन नलिया बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया। इसके बाद इन चारों की सवारी निकली करनी माता के दर्शन के लिए, जिसके लिए इन्हें रोपवे से जाना पड़ा। रोपवे से माता के मंदिर पहुंचकर इन्होंने माता के दर्शन भी किए और चूहों को पानी भी पिलाया। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे मंदिर में, और सुबह सुबह उठ के हम लोग ने एक अच्छा काम करना ज़रूरी होता है, वही किया है। माता के मंदिर के मैंने दर्शन किए और इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस पे शूट करने के बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो मेरी मिस होने जा रही थी, लेकिन वो हुई नहीं, थैंक्स टू माता। एंड आई विश कि मैं यहाँ पे एक बार और आ सकूँ, बिकॉज मुझे आके बहुत 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 अच्छा लगा। अंकित ने हमें यहाँ से खूबसूरत नज़ारा भी दिखाया। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ से पूरा उदयपुर एकदम क्लियर दिखता है। वो सिटी पैलेस है जहाँ पे हमने कल शूट किया, वो जो येलो कलर का आप महल देख रहे हैं यहाँ से, एंड उसके सामने जो वाइट कलर का पैलेस है वो राजा के
समर्स जो समर्स होते थे वो इंजॉय करने का पैलेस है. ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ी पे, वो मॉनसून इंजॉय करने का पैलेस है. सो बेसिकली हमारे राजाओं को देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ आज. मैं भी हम सब बहुत मोटिवेट हुए. इसके बाद अनुराग रागिनी सीरियल की शूटिंग में बिजी हो गए और सृष्टि विशेष चल दिए बोट राइड के लिए. लेकिन उससे पहले किया एक बेहद रोमांटिक डांस. हमारी मोहतरमा चाह रही है कि हम बोट राइड के लिए जाएं और ये कह रही है कि टिकट्स लेके आए, लेकिन इनको नहीं पता मैं ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान रखता हूँ. अरे चमत्कार, ये कैसे हुआ? बट एक्चुअली कैसे हुआ? एक्चुअली ये दिस इज मैजिक. ओह माय, आई थिंक दिस इज लव. दिस इज लव एंड मैजिक. उदयपुर को कहते हैं सिटी ऑफ झील, पर मुझे लगता नहीं, दिस इज सिटी ऑफ लव. दिस इज रोमांस. यस. This is very romantic. मुझे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें बिल्कुल टाइटैनिक वाली फील आ गई. साफ पानी, पानी की आवाज़, शांत माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर सो प्योर. Everything is so romantic here. Exactly. टाइटैनिक की फील आने के बाद तो ये इतने रोमांटिक हो गए कि बस पूछो मत. इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा के मैं यारा नु मनावा. रोमांस से फुर्सत मिली तो सृष्टि यानी सिमरन ने हमें नोबिता की एक्टिंग भी करके दिखाई. हेलो शिजुका, तुम कैसी हो? मेरा नाम है नोबिता. नाम तो सुना ही होगा. बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो. शिजुका, फिर क्या तुम डेकी सुकी में इंटरेस्टेड हो या जियान में इंटरेस्टेड हो? ऐसा मत कहो. तुम्हारा नोबिता कितना प्यारा है, तुम्हें बोट राइड पर लेकर आया है. प्लीज शिजुका, मान जाओ. इसी तरह मस्ती मजाक के साथ इनका उदयपुर का सफर खत्म हुआ. उदयपुर से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट.